जी मैम। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखो क्या रिजल्ट आता है। एक सेकेंड, अगर स्क्रीन आए ना तो मुझे अपडेट करना। अभी कुछ नजर आ रहा है तुम लोग का स्क्रीन? का स्क्रीन कुछ नजर आ रही है? नहीं नो ना, आगे भाई वहीं दीजिएगा, उसके पास से मैं ले लूँ। ट्यूब कल फिर नहीं मिलेगा? ट्यूब वाले के हाँ, पास 2 मिनट में मिल जाएगा। मुझे ऑन करना प्लीज, नहीं नजर आ रही ना? एक सेकेंड, जैसे ही आए ना मुझे बताना, कल से ना जरा ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं तुम लोगों को पिक्चर भेजती हूँ। थोड़ा सा रिजल्ट ब्लर हो रहा है। आया कुछ? कुछ आया? नो मैम, नो मैम, ये बस बैग हो जाता है। अच्छा, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन स्ट्रक नहीं हो रहा। इसके अभी आएगा, तो 1 मिनट का टाइम लगता है। रिजल्ट ब्लर है। एक सेकंड, नहीं वो हिल रही है ना इसलिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। अब सही आएगा। अब जरा चेक करना तुम्हारे पास आया स्क्रीन शेयर? नहीं होगी, 1 मिनट में देखो स्क्रीन शेयर भी होगी। कुछ फोटोज आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ होगा। आए तो मुझे बताना, 1-2 मिनट लगते हैं उसको आने में। किसी के पास भी नहीं आया? 1-2 मिनट लगेंगे, अगर फिर भी 1-2 मिनट में ना आए ना तो मुझे बताना। अच्छा देखो, अब जो हमारे पास अभी 10 तक में ये वाला तो क्लियर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ जेड। अभी स्क्रीन शेयर होगी तो मैं दिखा दूंगी, वरना व्हाट्सएप पिक्चर कर दूंगी। आज वीडियो कुछ स्ट्रक हो रही है सुबह से। फाइंड मॉड ऑफ जेड, वरना ऐसा होगा ना तो मैं क्लिप्स बना दूंगी। मॉड ऑफ जेड पता है क्या चीज है? मॉड ऑफ जेड जो तुम लोगों ने वो निकाला था ना एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम इसी तरह तुम लोग जो है वो मॉड ऑफ जेड निकाल दोगे। मॉड ऑफ जेड कैसे लगता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी तक तुम लोगों के पास आए नहीं है तो स्क्रीन शेयर होगी, ठीक है। तुम्हारे पास वीडियो नहीं होगी, कैमरे में स्क्रीन आएगी। स्क्रीन आई? मिस आई थी 1-2 सेकंड में, फिर चली गई। नहीं है ना, 1 मिनट में आ जाएगी, बस 1 मिनट में आएगी। अभी अब आएगी, आप जैसे ही आना मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास आ गई है। देखो सर आ गई, मेरे पास आ गई है। नो मैम, यार मेरे पास आ गई है, मेरे पास आ गई है, किसी के पास भी नहीं आई। नो मैम, प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अब बनानी पड़ेगी सफा।
अब देखो नहीं आई मैम। आई आ गई? नहीं मैम नहीं। क्लियर आ गई? क्लियर आ गई? नहीं आई मैम। अभी बोला ना आ गई। अब चेक करो। ब्लर आ रही है मैम। अब चेक कर। सारी तो है। ब्लर है? बहुत ब्लर है। ब्लर है? जी मैम। सेकंड रुको दोबारा। सही से और चेक करो कि तुम लोग के पास आ रहे हैं। स्क्रीन आ रही है प्लीज। सारा भेज रही फाइनल देख। अब मुझे अपडेट करो, बिल्कुल क्लियर पिक्चर भेजिए। अब अपडेट करो रोल नंबर टू प्लीज। मुझे अपडेट नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रही? यार मेरे पास आ रही है। अब देखो रोल नंबर टू। अब देखो नहीं आ रही। आई? नॉन। बिल्कुल भी नहीं आ रही? नॉन। बिल्कुल भी नहीं आ रही रोल नंबर टू? नॉन। अब देखो मिस अभी आई थी, फिर चली। अभी आई है लेकिन मिस बिल्कुल बहुत ब्लर है। मिस अभी आई है लेकिन बिल्कुल लैग हुई है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आ गई है? यस मिस आई है लेकिन लैग है, ब्लर है। चली गई वापस। अरे
अभी मैंने खुद ने कर दिया। एक हम पे से एक लास्ट ट्राई करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब मैंने बहुत क्लियर पिक्चर भेजी है, अब देखो। मिस नहीं आ रही, मिस आप ऐसे ही स्टार्ट करवा दो, पिक्चर हमें जो है वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। ना मिस नहीं आ गई है, नहीं अभी भी नहीं है। मिस आप स्टार्ट करवा दें, हमें पिक्चर्स जो है आप सेंड कर देना बाद में। ये आप ही मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, एक सेकंड रुको, व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ। वो पिक्चर खाली सेंड करूँगी तो मुझे मुझे खुद को नहीं मजा आता ना, तो तुमको भेज रही हूँ। व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो। व्हाट्सएप चेक कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, आ गया तो फिर व्हाट्सएप पे आ जाओ। आ गई है मैम, आ व्हाट्सएप पे क्लियर है, व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लियर आ रही है। यस, व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लियर है, नजर आ रहा, नजर आ रहा है, क्लियर है। यस, व्हाट्सएप पे पिक्चर क्लियर है, नजर आ रहा है। यस मैम, सही। अब स्टार्ट कर दूं मैं पढ़ाना? यस ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमारे पास व्हाट्सएप पे, प्लीज तुम लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 था, z इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। मुझे बताओ मैं इसके साथ क्या करूँ, जल्दी से मुझे बताओ मैं इसके साथ क्या करूँ। माइनस टू आयोटा को सब के साथ मल्टीप्लाई है, मैम आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज जब z इज इक्वल टू माइनस टू आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अब देखो तुम लोग अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने से तुम लोगों को क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट माइनस टू आयोटा का रूट ले लेती हूँ, डायरेक्ट 1 प्लस आयोटा का रूट। रूट कैसे लेना है, माइनस टू आयोटा। मुझे बताओ माइनस टू आयोटा का रियल पार्ट क्या है, अपडेट भी साथ साथ करते जाओ ना, तुम लोग बिल्कुल म्यूट होकर बैठ जाते हो। माइनस टू आयोटा क्या है, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस टू आयोटा, माइनस टू का स्क्वायर, यानी पहला रूट तुम्हारे पास क्या हो गया, पहला का तुम्हारे पास आ गया टू, सही है। इसी तरह वन प्लस आयोटा का तुम्हारे पास क्या आ गया, अंडर रूट टू, यानी वन प्लस आयोटा यानी वन का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। तो आयोटा किसके, वन का स्क्वायर यानी वन और वन, तो क्या हो गया टू, तो रूट टू। तीसरा क्या हो गया तुम्हारे पास, टू प्लस फोर आयोटा है,
टू प्लस फोर आया होता, टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर 16 प्लस टू का स्क्वायर 4, तो रूट 20। तीसरा क्या था तुम्हारे पास, थ्री प्लस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा का क्या होगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर क्या होता है, टू होता है, ठीक है। अब तुमने सबको मल्टी, सॉरी थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, थ्री प्लस आयोटा का देखो कैसे निकलेगा अंडर रूट, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन यानी थ्री प्लस वन, तो थ्री प्लस वन क्या हो गया, फोर हो गया, तो थ्री प्लस वन फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन और नाइन प्लस वन टेन, तो टेन का स्क्वायर क्या, टेन का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट टेन। अब फाइनली तुम्हारे पास क्या हो रहा है, टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेन इज इक्वल टू 40। क्लियर है कि दोबारा बताओ, व्हाट्सएप पर चेक कर लो क्लियर है कि दोबारा बताओ, दफा दोबारा स्क्रीन शेयरिंग की कोशिश भी कर, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को देखो तुम लोग,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लास एंड हो गई थी। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। ये मॉड वाले में कोई डाउट तो नहीं है 11A में, क्या दोबारा बताऊं? मुझे साथ अपडेट करते रहो वरना मैं क्लास एंड कर दूंगी। चुप नहीं रहो, मुझे साथ साथ बताते रहो कि 11 के पार्ट ए में डाउट तो नहीं है। नाम इस 40 तक सही है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा माइनस 1 + 2 आयोटा माइनस 1 - आयोटा 3 - आयोटा, सही है। अब इसमें भी कह रहे हैं कि आपको मॉड ही निकालना है, इसमें भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको मॉड निकालना है। अब मॉड कैसे निकलेगा, 3 + 4 आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग किया गल्ला कर आज है तो ज्यादा मजा आएगा, आए तो बता देना। 3 + 4 आयोटा 1 - 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 - आयोटा और 3 - आयोटा। अब देखो इसका मॉड ऑफ जेड लेना, इसका मॉड मैं कैसे लूंगी, वही जो ऊपर वाला पार्ट है 3 + 4 आयोटा। दोबारा से इसका तुम लोग क्या करोगे, पहले वो लोगे मॉड, लोगे मॉड कैसे लोगे, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो पहले वाले का क्या आ रहा है, 16 + 9 = 25, √25, और √25 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या, -1 + 2 आयोटा, तो -1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4, यानी √5। ऊपर वाले का एक आ जाएगा रूट सिर्फ 5 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा √5, तो यानी न्यूमिनेटर तुम्हारा क्या हो गया 5 √5। स्क्रीन आई मेरी, स्क्रीन आई, मैंने दोबारा भेजी है ना मिस, अभी तक आई नहीं है, लेकिन मिस आई है लेकिन आई नहीं ना, स्क्रीन आई नहीं ना तुम लोगों के पास। सही है। अच्छा सेकंड देखो हमारा, अब डिनोमिनेटर का पार्ट क्या था, डिनोमिनेटर क्या चीज थी हमारी, एक सेकंड फिर शेयर करते हैं, अल्लाह करे आ जाए, आए तो बताना। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, डिनोमिनेटर में -1 - आयोटा और 3 - आयोटा। अब -1 - आयोटा का कैसे करोगे, -1 का स्क्वायर - आयोटा, यानी आयोटा की जगह -1 का स्क्वायर। तो जब -1 का स्क्वायर 1 + -1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 1 + 1 √2, और फिर 3 - आयोटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और -1, यानी -1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा फाइनली 10। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है √2 और √10, न्यूमिनेटर में क्या आ रहा था 5 √5, ठीक है, 5 √5 by √2 और √10। देखो आई स्क्रीन, 5 √5 और √2 और √10। अब तुम चाहो तो यहाँ भी तुम लोग आंसर रोक सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मजीद इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो 5 √5 न्यूमिनेटर को तो तुम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया, डिनोमिनेटर में क्या करोगे √2 और √10 है ना, √10 को तुम लोग किस तरीके से लिखोगे, √5 और √2, √5 इंटू √2। तो देखो √5 न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 5, और नीचे बचा √2 × √2। तो जब दो दफा √a × √a, तो a बनता है, √b × √b, तो b बनता है। तो इसी तरह √5 × √2 सिर्फ क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है कि दोबारा बताऊं? यस मिस। और स्क्रीन आई, स्क्रीन आई तुम लोगों के पास? कुछ भी नहीं आया, कोई शेयर ही नहीं भी शेयर हुई है, लेकिन स्क्रीन आई नहीं ना तुम लोगों के पास? मैम आपका डिवाइस क्लिच हो गया लग रहा है। क्या हुआ, डिवाइस क्लिच हो गया होगा, मैं वो चाहिए होगा, मोबाइल हीट अप हो गया होगा आपका, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, रीसेट करना पड़ेगा मोबाइल, मुझे पता है वीडियोस भी तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रही थी और वो भी कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही, हालांकि मेरे पास मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है, मुझे मतलब ऐसा आ रहा है कि हाँ तुम लोगों को क्लियर मिल रही है। अब व्हाट्सएप पे पिक्चर सही है कि वो भी सही नहीं आ रही, व्हाट्सएप से तुम लोगों को नजर आ रहा है, तुम लोगों ने व्हाट्सएप खोला हुआ है? व्हाट्सएप पे सही है, व्हाट्सएप पे सही है मेज, ठीक है। अच्छा अब ऐसे मोबाइल को आफ्टर द क्लास रीस्टार्ट करूंगी।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 की भी देखो, मैंने तुम लोगों को पिक्चर भेजी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए और पार्ट बी में डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए और पार्ट बी में डाउट तो नहीं है? तब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपल आपको मॉड निकालना था, ठीक है? सिंपल मॉड यानी वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला यूज करना था। एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें पूरे चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी। जब पूरी चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी तो तुम लोग चाहते तो तुम लोग दो दो को मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए इस तरह सेंड कर दिए। रोल नंबर 75, अभी मुझे रोल नंबर 75 का पिक्चर मैसेज जाए कि मिस मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने पिक्चर सेंड समझ आ रहा, किसी को भी व्हाट्सएप की पिक्चर्स नहीं मिली क्या? किसी को भी क्या अपडेट कर दो भाई, किसी को भी क्या पिक्चर्स नहीं मिली? रोल नंबर मैसेज आया है कि मुझे पिक्चर्स स्क्रीन नहीं बता रही। मैंने इसी के व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दी है। रोल नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट ए में आपको मॉड निकालने का बोला था। मॉड आपने आपके पास चार ब्रैकेट्स दिए हुए थे। अगर आप चाहते हैं जिस तरह आप चार ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप दो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन मैंने चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि मैंने क्या किया, चारों ब्रैकेट का मॉड निकाला। रोल नंबर 75 मेरी बात समझ आ रही है? मुझे प्लीज अपडेट कर दो। 75 तुमने अपने आप को म्यूट किया हुआ है। रोल नंबर 75 तो चार मेरे पास वो थे ब्रैकेट्स, और चार ब्रैकेट्स जो थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि मैंने क्या कर दिया, इनका इंडिविजुअल पहले मॉड निकाल दिया। इससे मेरे पास इतनी बड़ी जो फटी थी कि पहले दो को मल्टीप्लाई करो देन दो को मल्टीप्लाई करो फिर चार के आंसर को, बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने दो दो को मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी था। और फिर इसके बाद मैंने सबके मॉड निकाल दिए, ठीक है? मॉड निकालने के बाद मैंने फाइनल आंसर लिख दिया। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन था, दूसरा मेरे पास क्या था, दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, एक मुझे न्यूमिनेटर दिया हुआ था और डिनोमिनेटर दिया हुआ था। न्यूमिनेटर का भी मैंने मॉड निकाला और दोनों का मॉड निकालने के बाद मेरे पास आंसर आया था 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 और रूट 20। तो मैंने रूट 20 को किस तरह किया, रूट 5 इन रूट 5 और इनटू रूट 2 में मैंने इनको खोल दिया। जब रूट 5 और रूट 2 में खोल दिया तो मेरा रूट 5 और रूट 5 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, रूट सिर्फ 5 बचा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इनटू 2। अंडर रूट 2 क्या हुआ, अंडर रूट 2 इनटू रूट 2 बचा मेरे पास। तो अंडर रूट 2 और इनटू रूट 2 को, रूट 2 और रूट 2 को दोनों को मैंने सॉल्व करने के लिए क्या किया, जब एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं जैसे अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए तो मेरे पास सिर्फ ए बचता है, इसी तरह अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू मेरे पास सिर्फ टू बचा, तो फाइनल आंसर मेरे पास 5/2 आया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? मुझे अपडेट कर दो वरना मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, वरना क्वेश्चन नंबर 12 तरफ जाओ। रोल नंबर 75 तुम्हारा से मैसेज है, इसके बाद तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं है। रोल नंबर 2, रोल नंबर 69 क्लियर है? ऐसा लगता है सिर्फ रोल नंबर 2 ही एक बच्चा क्लास ले रहा है। रोल नंबर 67, 56 क्लियर है? 79 क्लियर है मैम। 67 क्लियर है मैम। रोल नंबर 67 क्लियर है मैम। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। रोल नंबर 67 जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो मिस, आपकी आवाज कट रही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रही हूँ। अब 12 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो अभी तक हम लोगों ने जेड के ऊपर मॉड पढ़ा ना, मॉड क्या चीज थी, दो लाइनें लगी हुई थी। दुआ करो यूनिवर्स भी खुल जाए, इस क्रिकेट से जान छुटे। जेड में क्या होता था, दो मॉड बने हुए होते थे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, जेड के ऊपर, जेड तो तुम लोगों को पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। जेड के ऊपर जब मॉड बना हुआ था तो तुम लोगों ने क्या किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में तुम लोगों के पास जेड के ऊपर मॉड बना हुआ था, तो जेड के ऊपर मॉड से क्या हुआ, तुम लोगों ने 75 तुम मुझे मैसेजेस कहाँ क्लियर है और ये है वो, और जैसे मैं तुमसे बोलती हूँ कि माइक ओपन करो मैं बात करूँ कि क्या क्लियर नहीं है, सब बच्चे अपडेट करते हैं, तुम अपडेट नहीं कर रहे। अगर क्लास में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लीव कर दो। फिर जब 75 कब से कर रही हूँ तो तुम बात नहीं कर रहे हो और फिर मैसेजेस उससे भेज रहे हो। 56 क्लियर है प्लीज, 79 रोल नंबर 56 रोल नंबर 56 क्लियर है। 75 का माइक खराब है तो अब क्या करूं, उसको बोलो 75 को के व्हाट्सएप पे भेज दिए। साकिब भाई कहाँ हो? 79 क्लियर है। अच्छा कुछ मैंने नोट किया, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी इनको हिलाना पड़ रहा है जो सिर्फ क्लास को म्यूट करके चले जाते हैं, अपना रोल नंबर शो कर देते हैं कि हम क्लास ले रहे हैं और फिर वो दोबारा चले जाते हैं। रोल नंबर 75 तुम दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैंने व्हाट्सएप पे भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इसलिए व्हाट्सएप पे जो पढ़ा रही हूँ वो दोबारा सेंड कर दिया मैंने, तो तुम देख लो वहाँ से और दोबारा रीज्वाइन कर लो। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12 करने के लिए, अभी तक देखो जेड पे कभी मॉड आता था, कभी जेड पे आपको बोलते थे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स में बनाएं, कभी आपको बोलते थे कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स को पोलार फॉर्म में बनाएं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, और अभी जो हमने एक 11 क्वेश्चन किया इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना सिखाया, दो टू लाइंस आपको बनाना सिखाई, ठीक है। टू लाइंस होती हैं जिसको आप मॉड बोलते हो और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड सिखा लिया। अब पता है क्या, आपके जेड के ऊपर छोटा सा बार बना हुआ है, बार का क्या मतलब है, ऊपर जेड के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, उसको क्या बोलते हैं पता है, कॉन्जुगेट बोलते हैं। वही पुराना जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं, मॉड क्या होते हैं, सब यही चीज़ है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया कि लैपलेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जब तक उम्मीद है कि कोई वैसे इसीलिए मैं चुप थी कि अगर अल्लाह करे ये खुल जाए, इसीलिए ईजी टॉपिक लेकर बैठी हूँ। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में अब देखो, अगर तुम लोगों को कॉन्जुगेट मालूम करना है, कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, ऊपर बार का निशान, छोटा सा बार का निशान होगा उसको आप कॉन्जुगेट बोलते हो। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझो ए प्लस आयोटा बी है ना, अगर मैं तुम लोगों को बोलती हूँ कि इसका कॉन्जुगेट निकालो तो तुम लोग सिंपल मुझे इसका आंसर क्या दोगे, ए माइनस आयोटा बी, यानी जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया। बात क्लियर हुई मेरी नहीं जाएगा मॉड में नहीं होगा ये कब तुम लोग करोगे, कॉन्जुगेट में करोगे, जब तुम्हारे पास छोटा सा बार लगा हुआ होगा लैपटॉप, जब तुम लोग के पास छोटा सा बार लगा हुआ होगा। क्लियर है ये बात क्लियर है? यस मिस क्लियर है। अच्छा आप देखो, जैसे मेरे पास ए प्लस आयोटा भी है तो मैं इसको लिख दूं ए माइनस,
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस मैं सभी आ रही है। अच्छा, अब क्या है? मॉड जेड कॉन्जुगेट जेड है। जेड के ऊपर जब भी छोटा सा बार होगा, जेड के ऊपर जब भी छोटा सा बार होगा, आप उसके साइन को क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। जैसे ए प्लस आयोटा बी है तो आप क्या कर दोगे? ए माइनस आयोटा बी कर दोगे। अगर वन प्लस टू आयोटा है तो आप इसको क्या कर दोगे? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम चली गई। अच्छा, मैम चली गई। पेरेंट्स को लेगा, इसके इंतजार में बैठे हैं। हम भी चल रहे हैं। क्लास एंड हो तो प्लीज जाना नहीं, ठीक है? क्लास एंड हो तो जाना नहीं, क्लास एंड हो तो जाना नहीं, क्योंकि बार बार मीटिंग ड्रॉप होती है, फिर अगेन मैं ज्वाइन कर लूंगी। तुम लोग के तीन से चार क्लास तो नहीं है ना? फ्री हो ना तुम लोग? तीन से चार तुम लोग की क्लास तो है ना? तीन से चार तुम लोग की क्लास तो नहीं है ना? नो मैम, नो, कोई क्लास नहीं। अपडेट कर दो, तीन से चार तुम लोग की क्लास तो नहीं है ना? कोई क्लास नहीं मैम। नंबर एक, नंबर टू, तीन से चार क्लास तो नहीं है ना? क्लास है, क्लास है क्या? नहीं है ना? बस ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन इस वक्त क्या दिया हुआ था कि शो दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा इज रियल। आप शो करें कि ए प्लस आयोटा बी क्या रियल है। अब वो कब रियल है? इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। ये क्वेश्चन तुम लोग के पास व्हाट्सएप पे मैंने सेंड कर दिया, कि दोबारा करूँ? डेस बाद में कर लेना। रोल नंबर टू, थोड़ा सा प्लीज, जो इतना लॉस हो रहा है ना, कभी क्लास वो हो रही है, मैं तुम लोगों के ना क्लिप्स बना लूंगी। मुझे बड़ा था कि मैं वीडियो से पढ़ाऊं, कि वीडियो में लाइव वाला इम्पैक्ट आता है। हम पूरा मैंने लाइव वाला ही करवाया, लेकिन अब वो बात नहीं आ पा रही, तो इसलिए मुझे अब क्लिप्स बनानी पड़ेंगी। मुझे ये बताओ कि व्हाट्सएप पर मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 सेंड कर दिया ना? अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नहीं नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं कंटिन्यू करना प्लीज। शो दैट जितनी देर मैं करवा सकती हूँ, जितना भी आधा घंटा ये स्क्रीन शेयरिंग में और ये लॉस है, कम से कम इतना तो मैनेज कर लो। पहले 3:30 तक कर लो, बस थोड़ा सा कर लो प्लीज। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज रियल, कह रहे हैं इफ एंड ओनली इफ। कब?
जब जेड आपके पास बराबर होगा जेड बार के, ठीक है? अच्छा, अब आपको ये शो करना है कि आप शो करें कि ए प्लस आयोटा भी रियल है. आप कैसे शो करें? कह रहे ए प्लस आयोटा भी तभी रियल होगा जब जेड जो है वो जेड बार के बराबर होगा. अब क्या करूं मैं? कोई मुझे कोई हिंट दे सकता है? कोई कुछ हिंट बता सकता है कि ए प्लस आयोटा भी किस तरह रियल में कर सकती हूँ? मुझे बोला आप प्रूफ करें कि ए प्लस आयोटा भी जो है वो रियल है. मुझे बताओ कैसे प्रूफ करूं? बी को जीरो कर देंगे. जल्दी से बताओ. इंटरनेट की आवाज नहीं आ रही मुझे. नहीं नहीं बस आप कहीं रोक दीजिए, ऐसी जगह पे रोकें जहाँ अब सुनो मेरी बात. अब b इज इक्वल टू जीरो देख कर बता दिया रोल नंबर 75 फॉरन से. कैसे b जीरो हुआ कोई बता सकता है? देखो a प्लस आयोटा भी थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है. सुनना, a मुझे पता है इसमें रियल पार्ट है और आयोटा b जो है इसमें इमेजिनरी पार्ट है. और मुझे कह रहे हैं कि a प्लस आयोटा भी तभी रियल हो सकता है जब z किसके बराबर हो? z बार के बराबर हो. तभी आप कंडीशन रियल कर सकते हैं जब जेड किसके बराबर आना चाहिए? जेड बार के बराबर आना चाहिए. अब मैं ए प्लस आयोटा बी को कैसे करूं? अब ए तो मेरा रियल पार्ट है, उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. मुझे तंग कौन कर रहा है? आयोटा बी तंग कर रहा है. आयोटा बी को मैं क्या करूं? इसको मुझे इमेजिनरी बनाना है. अब इमेजिनरी बनाने के लिए आयोटा बी को मैं क्या करूं? इसको जीरो के बराबर लेकर आऊं, है ना? एक यही मेरे पास ट्रिक है कि मैं आयोटा बी को क्या करूं? जीरो कर दूं. जब मैं आयोटा बी को जीरो कर दूंगी तो क्या होगा? मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. लेकिन क्योंकि तुम लोग प्रूफ करो, शो दैट करो, तो इस तरह तुम नहीं कर सकते कि ए प्लस आयोटा बी तुमने क्या बोलते हैं बिल्कुल जीरो कर दिया. तुमने बोला बस आयोटा बी जीरो हो गया, ऐसे नहीं. बस तुमने शो कर दिया कि तुमने बी को क्या ले लिया? जीरो ले लिया. जब तुम बी को तुम जीरो ले रहे हो, जब बी को तुम जीरो ले रहे हो, तो इससे तुम लोगों के पास होगा क्या? जेड इज इक्वल टू ए प्लस जीरो आयोटा. तो z बार a प्लस जीरो आयोटा. किस तरह a प्लस जीरो आयोटा तुम्हारे पास आएगा? z इज इक्वल टू तुमने पहले क्या लिया था? a प्लस आयोटा भी. और अब तुमने क्या बोला कि तुम b को क्या ले रहे हो? जीरो ले रहे हो. अब किसी के जहन में आ रहा होगा कि मिस आयोटा मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो हो जाता. नहीं, ये बात याद रखना, इमेजिनरी नंबर को आप रियल नंबर की तरह कंसिडर नहीं कर सकते. इमेजिनरी नंबर को आप रियल नंबर की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, ये बात जहन में रख, ठीक है? अजब वो निकल रही है. रियल इमेजिनरी नंबर को आप रियल नंबर की तरह कंसिडर नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखना, ठीक है? अब जैसे मैं अगर जीरो मल्टीप्लाई बाय आयोटा जो है वो जीरो मल्टीप्लाई बाय अजब वो निकल रही है. ए प्लस आयोटा. अब जब मैं अगर तुम लोग बोलोगे कि मिस आपने बी को जब जीरो लिया है ना, तो आप बस ये शो कर दें कि आयोटा इंटू जीरो, यानी सिंपल है. याद रखना, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर की तरह कंसिडर नहीं करोगे. यानी इमेजिनरी नंबर को तुम ये नहीं बोल सकते कि आयोटा इंटू जीरो आयोटा हो गया. नहीं, ठीक है? आयोटा इंटू जीरो आयोटा नहीं होगा. अब मुझे बताओ, दो मिनट मुझे सोच के बताओ कि मैं क्या करूँ. बी को तो मैंने जीरो ले लिया, फिर इसके बाद मैं क्या करूँ? जल्दी बताओ क्या करूं? तक तो तुम लोग पहुंच गए कि a प्लस आयोटा b था, तुमने b को जीरो कर दिया, तो तुमने a प्लस
आयोटा इंटू आयोटा और इंटू जीरो किया, मतलब तुम लोगों ने ए प्लस वो नहीं किया, तुम लोगों ने ए प्लस आयोटा बी लिया और इसको तुम लोगों ने ए माइनस ए प्लस जीरो आयोटा पे रोक दिया, यानी अब तुम्हारा कॉन्जुगेट तुम्हारे पास क्या आ गया, ए प्लस जीरो आयोटा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बोलो फिर मैं आगे समझो। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाऊं। अरे बस 2 मिनट। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा समझाऊं। ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस जीरो आयोटा है, ठीक है। अब मेरे क्यों, क्योंकि मैंने बी को जीरो ले लिया था, तो ए प्लस जीरो आयोटा स्टूडेंट के जहन में आ रहा होगा, मैं आयोटा इंटू जीरो जीरो कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। कॉम्प्लेक्स नंबर आप आयोटा मल्टीप्लाई बाय जीरो को आप जीरो नहीं ले सकते, ए प्लस जीरो आयोटा। अब बताओ क्या करूँ, ब्लैंक होकर नहीं बैठो तो बताओ क्या करूँ। रोल नंबर 256678 प्लीज बताओ क्या करूँ, भले गलत बताओ। क्वेश्चन क्या था, शो दैट ए प्लस बी कंजुगेट ले ले मैम, आयोटा बी इज रियल, कब ये रियल हो सकता है, देन व्हेन व्हेन जेड इज इक्वल टू जेड बार, इट मींस कब आपको जो आपका जेड आ गया, जेड क्या आया आपका, ए प्लस जीरो आयोटा आया, उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। तो उसका मॉड आपके पास क्या हो जाएगा, ए मॉड सॉरी मॉड कह रही हूँ, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, उसका कॉन्जुगेट आपके पास ए माइनस जीरो आयोटा हो जाएगा। ये बात एडमिट कर देते हो, ए प्लस आयोटा बी का जो मॉड होगा वो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ये बात एग्जिस्ट करते हो, ए माइनस जीरो आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ए प्लस जीरो आयोटा का जेड मॉड ए माइनस जीरो आयोटा हो गया, ठीक है। यानी z किसके बराबर हो गया, z बार के बराबर हो गया, ये चीज प्रूफ हो गया। आपको यही बोला था कि आपको बताना है कि z तभी रियल हो सकता है जब आपका z किसके बराबर आ जाए, z बार के बराबर आ जाए। तो आपने क्या किया, पहले आपने b को जीरो कंसिडर करके आपने क्या किया, जीरो आयोटा किया, और फिर आपने फौरन से इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया जो कि किसके बराबर आ गया, z बार जो है वो किसके बराबर आ गया, a माइनस आयोटा b के बराबर आ गया। अगर सेम यही है तो a प्लस आयोटा b, तो ए प्लस आयोटा बी का भी आप कॉन्जुगेट क्या निकाल सकते हो, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ बी को जो है वो जीरो के तौर पे लिया, तो आपने बोल दिया ए प्लस आयोटा बी का जेड जो है वो जेड बार के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊँ। यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, या नहीं समझ आ रहा तो दोबारा बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज तुम लोगों से पूछती हूँ कि मुझे -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 5-3 आयोटा का मॉड निकाल के दो। क्वेश्चन कॉपी कर लो, 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 5-3 आयोटा का मॉड निकाल के दो, ठीक है। -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 5-3 आयोटा का मॉड निकालो। रिपीट करें, फाइव माइनस थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऊपर वाले पार्ट का मॉड लो डिवाइडेड बाय नीचे वाले पार्ट का मॉड लो।
आया किसी का आंसर? नहीं, मैंने खुद अपना माइक जानबूझ के म्यूट किया क्योंकि आज जरा मेरे बैकग्राउंड में शोर बहुत है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने पहले सोचा कि मैं क्लास थोड़ा सा ले लूँ, क्या बोलते हैं, गैप, लेकिन फिर मुझे जब तक मैं बोलूँ ना कि मैं क्लास एंड कर रही हूँ, और अगर मैं रीज्वाइन करती हूँ तो तुम लोगों को मेरे साथ रहकर रीज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? आया किसी का आंसर? मुझे कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि मिस साहब -34 डिवाइडेड बाय, आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। क्यों करूँ मैं अपने आप को इतनी मुश्किल में, क्यों डालूँ? अभी मैंने तुम लोगों को यही तो समझाया कि जो चार पार्ट हैं उसको मैं चाहती तो मल्टीप्लाई भी कर सकती थी, मगर मैं मल्टीप्लाई करके अपने आप को इतनी बड़ी उलझन में क्यों डालूं? चार पार्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगी और इसके बाद मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मेरे पास इतना मॉड निकालूंगी तो इतना लंबा हो जाएगा। बेहतर नहीं है कि मैं चार को चारों का डायरेक्ट इंडिविजुअल जो है वो ले लूँ, मॉड ले लूँ, समझ आई? इसी तरह तुम लोग भी ये वाले क्वेश्चन का ऊपर न्यूमिनेटर का अलग मॉड लो, डिनोमिनेटर का अलग मॉड लो और फिर फाइनली आंसर बता दो। बात क्लियर भी मैंने क्या बोला? बात क्लियर भी? रोल नंबर 67 बात क्लियरली, रोल नंबर 2 आंसर क्या आया तुम लोगों का फाइनल? यस मिस क्लियर, मिस अंडर रूट 34 आ रहा है, स्क्वायर रूट 34 आंसर, अंडर रूट 34 आंसर आ रहा है। इंडिविजुअल दिया तुम लोगों ने कि नहीं? तुम लोगों ने कॉन्जुगेट से किया, इंडिविजुअल दिया या कॉन्जुगेट से लिया? आपके मेथड से किया इंडिविजुअल। सही, अच्छा ठीक है। अच्छा एक अभी क्लास एंड करूंगी तुम लोगों ने, एक गुड न्यूज ये है कि कल मैं तुम लोगों की बात सुनूंगी, ठीक है? तो तुम लोग रेडी हो? इससे गुड न्यूज थी 12 से 1 प्रॉब्लम है कोई? जो टाइम तुम लोग कन्वीनियंट हो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मेरे लिए कन्वीनियंट होगा मैं ओके कर दूंगी, ठीक है? तुम लोग को एक बेनिफिट ये देती हूँ, तुम लोगों को बेनिफिट ये देती हूँ, तुम लोग सब मुझे एक टाइम सेंड कर देना। तुम लोग मुझे एक टाइम, ये बैड न्यूज़ है, अगर मैं तुम लोगों की क्लास लेती हूँ तुम लोगों को मैं इतनी बुरी लगती है, तुम लोगों की बैड न्यूज़ लगती है मेरी क्लास में। मैं तुम लोग को कल मैं इसलिए कर रही हूँ, उसमें थोड़ा तबीयत की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए तुम लोग के लिए नहीं, 9 से 10 मेरे लिए प्लीज पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो टाइम तुम लोग के लिए पॉसिबल हो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम लोग अगर मेरे लिए वो टाइम पॉसिबल हुआ मैं तुम लोग को ओके कर दूंगी, ठीक है? मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है? 11 to 12 अगर नहीं, 11 to 12, 12 to 1 देख लेना, जो तुम लोग के लिए टाइम एग्री हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मुझे अगर सही लगा तो मैं ओके करूँगी। मैं क्लास एंड कर रही हूँ।
अटेंडेंस मुझे अभी आई भी थी, मैं चेक भी करूंगी, मैंने खुद ने भी डाउनलोड किया, मुझे भी देखने पड़ेंगे कितने स्टूडेंट्स हैं क्या है। ठीक है,